So hello guys, welcome back to my YouTube channel video. So guys, today I will go to unbox three different pens. So that is ये आपका गाइस यूनिबॉल का आई सीरीज का माइक्रो है, और ये आपका सेलो का जेट जेल पेन, और ये आपका गाइस एक फ्रिक्शन पेन, मतलब हीट सेंसिटिव इंक है इसका। सो ये पायलट का फ्रिक्शन पेन है। सो ये मुझे डब्बा सेट नहीं मिला है, क्योंकि आपका क्या बोलते हैं, मतलब इसका 10 पीस का सेट था, मैं एक पीस लिया हूँ। मैं सबका प्राइस बताऊँगा कौन कितना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं आपका सेलो का जेट जंबो। हरी भाई इसका नहीं है सेकंड, तो ऐसा रिफिल था इसका अंदर फंस गया था। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो टेप लगा है ना। तो गाइस आप लोग भी देखते होंगे, जितना भी मेरा अनबॉक्सिंग आता है सब जेल पेन के ऊपर आते हैं। आप बोले क्यों? तो गाइस मुझे जेल पेन जो है ना, जेल पेन, रबॉल पेन और आपका जैसे फाउंटेन पेन, वो सब मुझे गाइस पेन जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छे के साथ मतलब स्मूथ इतना रहता है ना, तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं डॉट पेन का भी आएगा अनबॉक्सिंग। तो गाइस ये है आपका सेलो जेट जेल। तो इसका गाइस क्लिकिंग ये रिट्रैक्टेबल डिज़ाइन में आता है। इसका राइटिंग भी देखेंगे, सेलो का जेट जेल है, मतलब जेट का स्पीड से चलता है। तो इसका राइटिंग देखेंगे, तीनों पेन कर लेते हैं। फिर ये आपका ये वैसा आपका है फ्रिक्शन पेन, ये भी एक रिट्रैक्टेबल डिज़ाइन में आता है। तो एक मैसेज है उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ओके तो अब हम लोग अनबॉक्स करते हैं, एक सेकेंड। तो आज हम लोग अनबॉक्स करते हैं आपका यूनिवॉल का आई माइक्रो। सो ये आपका 0.5 mm नीप के साथ आता है, और ये आता है 0.7 देख लीजिए, और ये भी आता है 0.7 देख लीजिए। जो आपका फोन कॉल करा देते हैं, देखिए 7 और 0.7। सो हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ओ सॉरी गाइस, इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देना भूल गए। पीछे में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो यूनिफ्लो इंक सिस्टम, फिर क्रिएटेड अ स्टेट फ्लो इंक इन राइट अप टू 100,000 मीटर, फ्रेगमेंटेड इन बेस्ट इंक फॉर्मेट। जो फ्रेगमेंटेड इंक होता है, मतलब वो गाइस जो अब्जॉर्ब होता रहता है, पर वो बहुत जल्दी करता है, और फ्रेगमेंटेड इंक से वह वाटर प्रूफनेस और अच्छा हो जाता है। तो क्विक ड्राइंग वाटर रेजिस्टेंट इंक, ओके एनसेल एडवांस इंक फोल्ड। तो इसमें आपका यूनिसुपर इंक का यूज़ हुआ है। तो लिंक इंपॉर्टेंट पैकेट ऑफ माई मेड बाई लिंक इन लिमिटेड इंक। तो इसका गाइस प्राइस 80 rupees यूनिट 1। सो गाइस ये ब्लू में है, देख लीजिए आप ब्लू में, ठीक है। तो आप सोचो तो मेरा बताना ही भूल गया, पूरा उबर खावड़ हो गया। जस्ट अ सेकंड, ये आवाज़ बहुत अच्छा। तो पेन बहुत आपको डिसएडवांटेज नहीं पता है। अनबॉक्स करना बहुत झंझट है। आ गया है आई। तो गाइस ये आपका यहाँ पे मैट फिनिशिंग है, आपका प्लास्टिक बॉडी बिल्ड है, और आपका क्लिप मेटल क्लिप है। सो ये आपका यूनिवॉल आई मेड इन जापान। ओ माय गॉड वाओ। का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉन डिसेबल है। तो नॉन डिसेबल होने के कारण, जैसे ये वाला जो मेरे पास यूनिवॉल है वो डिसेबल है, तो ये पूरा इंक मिलता है। सो आपको वही डिसएडवांटेज था। ये मैट फिनिशिंग है, ये पूरा मतलब एकदम टाइट पैक है, मतलब लूज नहीं होगा, क्योंकि
अगर ये लूज हो तो पूरा ये इंक भरा है तो वो गिर सकता है। सो चलिए हम लोग उसका आपका ये देखिए राइटिंग एक्सपीरियंस ये वगैरह वगैरह और वगैरह। सो ओके गाइस वाटर प्रूफ में भी देखे गए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये है तो हम लोग हमारे क्लास हमारे हम लोग रेफर करेंगे क्लास में तो कॉपी और नहीं का कॉपी भी रेफर कर राइट विथ दिस पेन पायलट का फ्रिक्शन नॉट पायलट का फ्रिक्शन उससे लो जेट चाहो तो अरे मिला है स्मज होता है तो होते ही है। सो ये जेट का स्पीड से लिखा था भाई, बहुत ही स्मूथ है पेन, मुट्ठे वाले बहुत ही स्मूथ है ये पेन। सो इसका वाटर प्रूफ में चेक करेंगे आप एक सेकेंड, पहले हम लोग उसमें से लिखना पड़ेगा तो गाइस वाटर एक सेकेंड। तो वह जो इसका इंक है उतना वाटर प्रूफ नहीं है जैसे देख सकते हैं, पूरा ब्लेड हो गया है ट्राई कर सकते, बहुत देर हो गया तभी प्रॉपर नहीं कर रहा था बढ़िया, बट गुड है अच्छा ही खासा है। तो हम लोग ट्राई करते हैं आपका पायलट का फ्रिक्शन बॉटल होता है ना स्पेशली टिकटॉक तो वो उसमें डाटा कहीं खोल के रखा। तो भाई हम लोग इसका डिटेल करते हैं, तो ये है पायलट का फ्रिक्शन की सॉरी स्पेलिंग है तो क्या हम लोग उसको रब कर सकते हैं, ये इसका खासियत है कि हम लोग इसको रब कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको रब कर दिया, अब रब कर दिया हो गया फ्रिक्शन फ्रिक्शन स्मज होता है पर उतना नहीं इसका। तो वाटर प्रूफ में चेक कर लेते हैं, वाटर प्रूफ में चेक कर लेते हैं एक सेकेंड वाटर प्रूफ गाइस ये भी बह ही जाता है, ये भी बह जाता है, ये भी ये इंक शेड कितना लाइट मिल रही है। तो अब आते हैं हम लोग, तो ये मैं पेन उसके लिए प्रेफर कर रहा हूँ जो आपका बहुत गलती करता है, मतलब इरेज तो हो जाए वाटनर नहीं है तो इसके लिए, अरे ये मैं प्रेफर करता हूँ जिसको वाटर रेजिस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पेन उसके लिए बहुत अच्छा है। अरे इसका प्राइस है एक सेकेंड इसका प्राइस है आपका देख लीजिए 35 रुपीज़ और यूनिवॉल आई माइक्रो का प्राइस था 80 रुपीज़। ओके आई माइक्रो का प्राइस था 80 रुपीज़। सो अब हम लोग ट्राई करते हैं यूनिवॉल क्या है। सो यहाँ पे एक इंडिकेटर भी दिया हुआ है इंक है कि नहीं, सो इट्स फाइन। सो ओ भाई सॉरी सॉरी स्मश तो हो रहा है, तो स्मज हो रहा है। वाटर प्रूफनेस चेक कर लेते हैं वाटर प्रूफनेस कैसा है, जस्ट अ सेकेंड वाटर प्रूफनेस चेक कर लेते हैं।
एक सेकंड बढ़िया से लिख के देखा लो वाटर प्रूफ एक ही है ठीक है। तो गाइस ऊपर में मैट ये आपका फैब्रिक टाइप है। चलिए तो यू सॉरी तो गाइस ये वाटर रेजिस्टेंट है बट उतना नहीं। अब इसमें ट्राई करते हैं एक सेकेंड उसको सूखने का टाइम देते हैं। सूखने के बाद ये वाटर रेजिस्टेंट बहुत अच्छा फील होता है। फिर मैं अपने एग्जाम्पल ही रखा हूँ वाटर प्रूफनेस अच्छा है बट ठीक है। तो गाइस और इसका एक वाटर प्रूफ है देखें क्योंकि दोनों एक इन शेप का बना है। इससे बढ़िया तो इसका है जस्ट अ सेकंड। तो ये जो तीन मैं पेन अनबॉक्सिंग किया हूँ तो यूनिबॉल आई माइक्रो यूनिबॉल फिर आपका सेलो का जेट जम्बो जेट जेल फिर इसका पायलट का फ्रिक्शन। सो गाइस ये मैं आपको पेन प्रिफर करता हूँ ये वेरी स्मूथ राइटिंग ये स्मूथ राइटिंग के लिए आपके पास बजट हो स्मूथ राइटिंग चाहिए जेल पेन हो ये वाला पेन आपके लिए बहुत बढ़िया है। और आपको एक चाहिए इरेजिबल पेन में बहुत गलती होता है तो ये पेन आपके लिए बहुत बढ़िया है झूठ नहीं बोले स्पेशली मैथ्स में जो होता है ना आपका फार्मूला लिखने में गलत हो गया ट्रायंगल बनाने में गलत हो गया तो ये पेन उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको वेरी 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 स्मूथ हैंड राइटिंग चाहिए तो ये पेन आपके लिए प्रेफर करता हूँ। सो मैं अब ये पेन आपको लेने के लिए प्रेफर करता हूँ और इसका प्राइस है 35 इसका प्राइस है 90 रुपीज़ है और इसका प्राइस है 80 रुपीज़। सो ये मेड इन जापान जापान है ये भी पायलट भी मेड इन जापान है देखिए जापान लिखा हुआ है फोकस करा देते हैं देखिए जापान इक्विपमेंट ये भी मेड इन जापान है और फिलहाल तो मेड इन इंडिया है आपको पता ही है। फिलो मेड इन इंडिया के लिए आपको दिखा देते हैं देखिए फिलो है मेड इन इंडिया ओके। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा लाइक करेगा चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे।